बॉलीवुड इंडस्ट्री में ऐसी कई हीरोइनें हैं जो अपनी एक्टिंग से हीरो को भी मात देती हैं और आज अलग पहचान बना चुकी हैं। प्रियंका, दीपिका, कंगना व आलिया भट्ट जैसी कई डिवाज हैं जो लोगों के दिलों में अलग छाप छोड़ चुकी हैं। वहीं कुछ एक्ट्रेस ऐसी भी रही हैं जिन्होंने फेमस होने के लिए अपने नाम तक बदल लिए, बाद में वही बदला हुआ नाम उनकी पहचान भी बनी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ एक्ट्रेस ऐसी भी हैं जिन्होंने मुस्लिम होते हुए अपना हिंदू नाम रखा? चलिए इस पैकेज में आपको बताते हैं इन्हीं हीरोइनों के बारे में। इस लिस्ट में पहला नाम आता है मीना कुमारी का। मीना कुमारी का असली नाम महजबी बानो था। मीना कुमारी ट्रेजेडी क्वीन के नाम से फेमस है। उन्होंने फिल्मों में आने से पहले अपना नाम बदल लिया था। तब्बू। 90 के दशक की फेमस हीरोइन तब्बू का असली नाम तबस्सुम फातिमा हाशमी है। तब्बू मुस्लिम परिवार से ताल्लुक रखती है। अपने करियर में उन्होंने कई सुपरहिट फिल्में दी। निमी। एक मुस्लिम परिवार में जन्मे निमी ने फिल्मों के लिए अपना नाम नवाब बानो से निमी रखा था। उन्होंने कई हिट फिल्मों में काम किया। आलिया भट्ट। बॉलीवुड की चुलबुली एक्ट्रेस आलिया भट्ट भले ही नाम से हिंदू लगती हों, लेकिन वो मुस्लिम परिवार से संबंध रखती हैं। आलिया भट्ट के दादाजी का नाम शिरीन मोहम्मद अली था। मधुबाला। 50-60 दशक की हीरोइन मधुबाला का असली नाम मुमताज बेगम था। फिल्मों में आते ही उन्होंने अपना नाम बदल लिया। अपनी बेहतरीन एक्टिंग की वजह से उन्होंने लाखों दिलों में जगह बनाई। मान्यता दत्त। एक्टर संजय दत्त की पत्नी मान्यता दत्त भी मुस्लिम परिवार से है। मान्यता का असली नाम दिलनवाज शेख है। फिल्मों में आने से पहले उन्होंने अपना नाम बदला। बताने की मान्यता संजय दत्त की तीसरी पत्नी है। रीना रॉय। एक्ट्रेस रीना रॉय भी मुस्लिम परिवार से ताल्लुक रखती हैं। रीना का रियल नेम सायरा अली है। रीना को एक्टर जितेंद्र की हीरोइन कहा जाता है। आपको हमारे ये पैकेज कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।